हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लस टू क्लास चैप्टर नंबर सेकंड। नेम ऑफ द चैप्टर इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 11 का जो पैटर्न रहेगा वो सम नंबर 10 से मैच करता हुआ रहेगा। जो लास्ट वीडियो में मैंने सम नंबर 10th आपको करवाया है, सेम पैटर्न से हम लोग ये सम करेंगे। ओके, उसमें यहाँ पर कोट इनवर्स था और यहाँ पर 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन की फॉर्म में या 1 माइनस साइन की फॉर्म में स्टेटमेंट थी। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, साइन को कोस में कन्वर्ट किया था, साइन एक्स इक्वल टू कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स राइट किया था। लेकिन यहां पर साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स को लेट करेंगे, एक्स को साइन लेट नहीं करेंगे, हम एक्स को डायरेक्ट कोस की फॉर्म में लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन को बाद में हमने कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए एक्स को हम पहले ही कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कोस का और 1 माइनस कोस का फॉर्मूला होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर वैसे इन्होंने राइट भी कर रखा है x इक्वल टू कोस 2x, यानी कि पुट करना है, हिंट दे रखा है कि x को आप कोस 2x लेट करें, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोस 2x ही लेट करना है, x को आप कोस x सॉरी x को कोस थीटा लेट कर सकते हैं, x को 3 थीटा 4 थीटा कुछ भी लेट कर सकते हैं, मतलब कोस करना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रूव करना है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 बाय स्केयर रूट ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने क्या बोला है, हिंट आपको दे रखा है, जरूरी नहीं है एग्जाम में हिंट भी आए, और 99.99% हिंट ना आने के चांसेस ही हैं। ओके, तो फिर भी आपने यहां पर थोड़ा सा आइडिया रखना है कि हमने एक्स को क्या लेट करके चलना है। अगर एक्स को लेट नहीं करना है तो रैशलाइजिंग कर सकते हैं, कोई एक फिक्स मेथड नहीं है इसका। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको इस तरह मैंने 10th सम करवाया है, सेम पैटर्न से ही ये सम करवाऊंगा ताकि आपको सम की प्रैक्टिस करनी आसान हो जाए, ठीक है। उसे थोड़ा आपको प्रैक्टिस और ये कह सकते हैं कि ज्यादा टाइम तक आपको सम तैयार रहे, याद रहे। ओके, तो सेम पैटर्न से चलेंगे हम लोग। लेट एक्स इक्वल टू कोस थीटा, क्या करेंगे हम लोग, एक्स को हमने कोस थीटा लेट कर लिया, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो, अगर x को cos थीटा लेट किया है तो थीटा हमारे पास क्या होगा, नेचुरली सी बात है थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x होगा, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो दिस विल बी इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, इस साइड पे cos इनवर्स x ये बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स, यस स्टूडेंट्स, tan इनवर्स वैसे का वैसे ही 1 प्लस एक्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। एक्स राइट नहीं करना आप कहीं ऐसे x इक्वल टू cos x राइट करके बैठ जाओ ना, x आपको दे रखा है तो cos थीटा कर दो, cos अल्फा कर दो, cos गामा कर दो, कुछ कर दो, बट x नहीं राइट करेंगे, ठीक है। यहां cos 2 थीटा भी राइट कर सकते हैं जैसे कि इन्होंने हिंट दे रखा है एज यू विश, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में होगा स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, सेम पैटर्न रखेंगे हम लोग, बाय में स्केयर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास, प्लस में है स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या बन गया, टेन इनवर्स, यस, सेम पैटर्न से फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें कोट इनवर्स था यहां पर तो हमने इसे कोट में चेंज किया, अब टेन इनवर्स है तो इसे आप लोग टेन में चेंज करोगे, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला अभी हमने किया है लास्ट वाले वीडियो में, क्या होता है ये 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला, उसमें मैंने यहां पर क्या राइट किया था, 1 प्लस कोस 2 थीटा राइट किया था, तो 2 थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा, अब हमारे पास थीटा ही पहले से है तो 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, मतलब इसका हाफ करना है, चाहे यहां पर 2 थीटा है चाहे 4 थीटा है कुछ भी है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस
थीटा का क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो इसके अलावा भी कोई फार्मूला लगा तो बाद में यहां पर राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास tan इनवर्स है, tan इनवर्स आ गया 1 प्लस कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, माइनस इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, माइनस में है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बाय में हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का साइन, सेम रहेगा प्लस का साइन, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहां पर राइट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो यहां पर क्या बन जाएगा tan इनवर्स, हां जी सेम पैटर्न, रूट टू रूट टू रूट टू कॉमन आ जाएगा हमारे पास, इनसाइड क्या रहेगा कोस स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है तो कैंसिल हो जाएंगे ये, तो अपने पास बचेगा कोस थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो साइन थीटा बाय 2 रहेगा, बाय में रूट टू रूट टू रूट टू कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ओके, कोस स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ओनली कोस बच जाएगा, प्लस में क्या है साइन का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है तो साइन बच गया, रूट टू हमने पहले ही बाहर लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या आएगा, वही पैटर्न रहेगा सेम ही, टेंथ सम में भी हमने डिवाइड किया था, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हाँ जी किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम पैटर्न से कोस से ही डिवाइड करना पड़ेगा, कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन की फॉर्म आ जाएगी, टेन की फॉर्म आ जाएगी तो हमारे पास 1 प्लस टेन बाय 1 माइनस टेन या फिर 1 माइनस टेन बाय 1 प्लस टेन का फार्मूला होता है। ओके, तो ये मैं साफ कर रहा हूं दोनों ही प्रॉपर्टीज, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो ये हमारे पास है टेन इनवर्स, हाँ जी टेन इनवर्स के बाद देखें कोस थीटा बाय 2 बाय कोस थीटा बाय 2 डिवाइड करना ना, हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है कोस थीटा बाय 2 से, तो कोस थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 तो वही ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कोस क्या होता है टेन होता है, यहां पर डायरेक्ट टेन राइट करेंगे, एंगल सेम रहेगा, बाय में कोस बाय कोस क्या रहेगा 1 रहेगा, प्लस में साइन बाय कोस क्या हो जाएगा साइन बाय कोस बन जाएगा टेन। ओके, तो टेन थीटा बाय 2 हो जाएगा ये, हाँ जी ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास। ठीक है, 1 माइनस टेन बाय 1 प्लस टेन क्या होता है, 1 माइनस टेन बाय 1 प्लस टेन होता है टेन 45 डिग्री माइनस एक्स, और अगर ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है तो क्या होगा ये टेन 45 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा, तो यहां पर 1 माइनस टेन बाय 1 प्लस टेन रहेगा टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। ओके, तो यहां पर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस माइनस एंगल राइट करना होता है, एंगल जो यहां पर है ठीक है, अपनी ओर से नहीं करना आपने कहीं एक्स लगा दो, यहां थीटा बाय 2 है तो यहां थीटा बाय 2 ही आएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया टेन इनवर्स टेन, अपना रूल क्या है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होता है, sin इनवर्स sin x इक्वल टू x होता है, कंडीशन तो होती है इसका sin इनवर्स sin x है ठीक है, x के इक्वल होगा बट x बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है वो कंडीशन तो है ही है हमारे पास, तो यहां पर क्या रहेगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा या x इक्वल टू x,
यहां पर ये x की वैल्यू है पूरी की पूरी, तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 आ जाएगा। इट इंप्लाइज पाई बाय 4 तो वैसे का वैसे रहेगा, माइनस में है 1 बाय 2 और ऊपर थीटा है। थीटा की वैल्यू कहां पर है, ये रही थीटा की वैल्यू, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये वाली है थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, तो यहां पर राइट कर दो कोस इनवर्स एक्स, ओके, दिस इज राइट हैंड साइड, ओके, इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सम नंबर 11th, सम नंबर 11th और सम नंबर 10th का पैटर्न बिल्कुल सेम रखा गया है, ठीक है, वैसे ही वही प्रोसीजर रहा है जो सम नंबर 10th में था, ओके। तो इस सम में हमने क्या किया है, स्टार्टिंग में एक्स को हमने कोस में कन्वर्ट किया है और यहां से थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद यहां पर एक्स है वहां पर मैंने राइट किया है कोस, फिर 1 प्लस कोस का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सेम फार्मूले यहां पर अप्लाई किए हैं। इसके बाद √2 कॉमन, √2 कॉमन और स्क्वायर से स्क्वायर रूट सभी में कैंसिल हो गया तो ये फॉर्म बन गई। इसको डिवाइड किया मैंने कोस थीटा बाय 2 से तो ये तो कट गया 1 आ गया, और साइन से कोस को डिवाइड किया तो 10 आ गया, कोस से कोस ठीक है 1 आ गया और साइन बाय कोस होता है 10 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस 10 बाय 1 प्लस 10, 10 इनवर्स तो डिटो चलेगा, यहां पर आ जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है थीटा बाय 2, ठीक है, एंगल सेम रहेगा, 10 इनवर्स 10, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है 10 इनवर्स 10 एक्स इक्वल टू एक्स की, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, यहां राइट कर दो। इसके बाद पाई बाय 4 सेम आएगा, 1 बाय 2 सेम आएगा, थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है कोस इनवर्स एक्स है, यहां पर राइट कर दो, दिस इज राइट हैंड साइड, ओके। तो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड इस तरह हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड सम्स हैं सम नंबर 10th, 11th और 1 एग्जांपल, मैंने बोला है इन दोनों का पैटर्न सेम है, फिर भी आप किसी और मेथड से करना चाहें तो हो जाएगा, रशलाइन हो जाएगी, ठीक है, और कुछ भी कर सकते हैं। एक्स को आप कोस 2 थीटा भी लेट कर सकते हैं, यहां पर मैंने कोस थीटा ही लेट किया है, ठीक है, कोस 2 थीटा लेट करेंगे तो थीटा बाय 2 नहीं आएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हमारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इस तरीके से मर्जी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सम नंबर 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड चैप्टर प्लस टू क्लास, ओके, इसका स्क्रीन शॉट ले लें आप लोग ताकि इसे बाद में आप कर सकें, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू अगेन।